गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द 100 ड्रेसेस पार्ट टू। इसकी समरी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेट्स स्टार्ट। व्हाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, जबकि जो कक्षा थी कमरे के अंदर चक्कर लगा रही थी, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस, मॉनिटर जो था प्रिंसिपल के ऑफिस से ब्रॉट मिस मैसन अ नोट, मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आया। मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम्स, मिस मैसन ने इसको कई बार पढ़ा एंड स्टडीड इट थॉटफुली, और बड़ी गहनता से इसका निरीक्षण किया फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। देन शी क्लैप्ड हर हैंड, फिर उसने ताली बजाई। अटेंशन क्लास, कक्षा इधर ध्यान दो। एवरीवन बैक टू देयर सीट, हर कोई अपनी सीट पर वापस आ जाए। व्हेन द शफलिंग ऑफ द फीट, जब चहलकदमी हेड स्टॉप, जब चहलकदमी ख़त्म हो गई एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, अब और जब रूम जो था स्थिर और शांत हो गया। मिस मैसन सेड, मिस मैसन ने कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वांडर्स फादर, मेरे पास वांडा के पिताजी से एक पत्र है, दैट आई वांट टू रीड टू यू, जो कि मैं तुम सबको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट, मिस मैसन वहाँ पर खड़ी रहीं एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस, और जो कक्षा के अंदर जो स्थिति थी वो बहुत तनावपूर्ण हो गई। एंड एक्सपेक्टेंट, द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली, अब टीचर ने अपने जो ग्लासेस थे, आईनक थी, उनको सही किया जानबूझकर। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, उनका जो तरीका था वो ये बता रहा था कि दिस लेटर फ्रॉम वांडर्स फादर, जिस पत्र में जो कुछ लिखा है, वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट, सबने इसको बहुत ध्यान से सुना जब मिस मैसन ने यह पत्र पढ़कर सुनाया। डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, मेरी वांडा अब तुम्हारे स्कूल नहीं आएगी, जैक ऑल्सो, जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम एक बड़े शहर जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलोग, अब और ज़्यादा मजाक नहीं। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, और ना ही ये पूछना कि ऐसा मजाकिया नाम क्यों। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े शहर में बहुत इस तरह के बहुत ज़्यादा मजाकिया नाम है। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, यानी कि इस पत्र को पढ़ने के बाद क्लास में बहुत ज़्यादा चुप्पी छा गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपनी आईनक उतारी, ब्लू ऑन देम, इन पर फूक मारी एंड वाइप देम ऑन, और इनको पोछा। ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, अपने सफ़ेद नरम रुमाल से। देन शी पुट देम ऑन अगेन, फिर उन्होंने उसको दोबारा से पहन लिया। एंड लुक्ड एट द क्लास, और क्लास की ओर देखा। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, जब उसने बोला तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमे थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रूम 13, मुझे विश्वास है कि ना ही कोई लड़का ना ही कोई लड़की रूम नंबर 13 में वुड पर्पसली एंड डेलिब्रेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स, कि किसी ने भी जानबूझकर वांडा की भावनाओं को हताहत किया होगा। बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग, क्योंकि उसका नाम लंबा था और अनफेमिलियर था, अनजाना था, अजनबी था। आई प्रीफर टू थिंक दैट वॉट वॉज हैड वॉज सेड इन थॉटलेसनेस, मैं ये मानती हूँ कि जो भी कहा गया अनजाने में कहा गया। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, मैं जानती हूँ आप सभी ऐसा ही महसूस कर रहे हो जैसे कि मैं महसूस कर रही हूँ। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, ये बहुत ही दुखद पूर्ण घटना है जो हमारे साथ घटित हुई। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, बहुत ही दुख भरी घटना। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसके बारे में सोचो। द फर्स्ट पीरियड वॉज स्टडी पीरियड, पहला पीरियड पढ़ाई का पीरियड था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैडी ने अपने लेसन्स को तैयार करने की कोशिश की। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन उसका जो मन था पढ़ाई में नहीं लग रहा था। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक, उसके पेट में कुछ पीड़ा महसूस वो कर रही थी। True, she had not enjoyed the listening to Peggy. ये सच है कि वो Peggy का ये कहना उसको अच्छा नहीं लगता था। Ask Wanda, यानी कि Peggy का Wanda से पूछना, how many dresses she had in her closet, कि उसके अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं। But she had said nothing, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला था। She had stood by silently, वो चुपचाप खड़ी हो जाती थी। And that was just as bad as what Peggy had done, और वो इतना ही बुरा था जितना कि Peggy के द्वारा किया गया बुरा काम। वर्स, बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरा। शी वॉज ए कावर्ड, वो एक डरपोक थी। एट लीस्ट Peggy hadn't considered that they were being mean, but she
अच्छा, जो पैगी थी उसको तो ये भी नहीं पता था, वो तो ये भी नहीं मानती कि जो वो कर रही है वो गलत है। बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। लेकिन मैडी मैडी को तो पता था ना कि वो गलत कर रही हैं। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडास शूज। वो अपने आप को वांडा की जगह रखकर देख सकती थी, सोच सकती थी। गुडनेस वॉजन देयर एनी थिंग शी कुड डू। हे भगवान, क्या वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा दैट शी हैड इन मैंट टू हर्ट हर फीलिंग्स। वो कम से कम इतना तो बता सकती थी वांडा को कि उसकी भावनाओं का दुखाना, उसके दिल को दुखाना उसका मकसद नहीं था, यानी कि वो उसकी भावनाओं को हताहत नहीं करना चाहती थी। शी टर्न्ड राउंड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी। वो मुड़ी और उसने पैगी को देखा, बट पैगी डिड नॉट लुक अप। लेकिन पैगी ने ऊपर उठकर नहीं देखा। शी सीम्स टू बी स्टडिंग हार्ड। वो लगन से पढ़ाई करती हुई प्रतीत हुई। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट। खैर, अगर पैगो को बुरा लगे या ना लगे, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। लेकिन मैडी को तो कुछ करना था। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स की। उसको तो वांडा पेट्रोन्स की को ढूंढना था। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। शायद वो अभी ना गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर। शायद हो सकता है पैगी उसके साथ हाइट्स पर जाए, बॉगिंस हाइट्स पर जाए। एंड दे वुड टू टेल वांडा दैट शी हैड वन द कॉन्टेस्ट। और वो जाकर वांडा को बताए कि उसने जो प्रतियोगिता है वो जीत ली। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। कि वो उसको जाकर कहें कि जो वांडा थी वो अच्छी थी और उसकी जो बनाई हुई 100 जो ड्रेसेस थी वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वेन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून। जब दोपहर में छुट्टी हुई, पैगी सेड विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस। पैगी ने दिखावे पूर्ण ना आकस्मिकता से कहा, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट। चलो देखें उस बच्चे ने, यानी कि वांडा ने, घर अपना छोड़ दिया या नहीं। सो पैगी हैड हैड द सेम आइडिया। पैगी का भी यही विचार था। मैडी ग्लोड। मैडी का चेहरा दमक उठा। पैग वॉज रियली ऑल राइट। पैग अपनी जगह बिल्कुल सही थी। द टू गर्ल्स हर्रीड आउट ऑफ द बिल्डिंग। जो लड़के थी फटाफट तेजी से बिल्डिंग के बाहर चली। अप द स्ट्रीट टूवर्ड बॉगिन हाइट्स। और बॉगिन हाइट्स की तरफ वो चल पड़ी। द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वोर सच ए फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवम्बर आफ्टरनून। ड्रिजली डैम्प एंड डिसमल। यानी कि दोनों लड़कियां इमारत के बाहर गली में बॉगिंग हाइट की तरफ जल्दी से चल पड़ी। कस्बे में, इस कस्बे के इस भाग में नवंबर की दोपहर में है ना, रुकावट डालने वाली नमी से भरी हुई और बहुत ही ज़्यादा निराशापूर्ण जो हवा थी वो धीरे धीरे चल रही थी। ओके, वेल एटलीस्ट सेड पैगी ग्रफली। अच्छा, आखिर में पैगी ने कहा बड़ी कर्कश आवाज़ से, आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरनर। मैंने इसको कभी कोई फॉरनर नहीं बुलाया, और मेक फन ऑफ हर नेम, और मैंने कभी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे। मुझे तो पता ही नहीं था कि उसको पता भी चल रहा है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम। मैंने तो सोचा ये तो वो तो बहुत ज़्यादा भोंदू है। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। और देखो तो वो कितना अच्छी ड्राइंग बनाती है। मैडी कुड से नथिंग। मैडी कुछ भी नहीं बोल पाई। ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा। उसको बस यही आशा थी कि वो वांडा को ढूंढ लेंगे। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी। वो वांडा को बताना चाहती थी कि उनको बहुत ज़्यादा दुख है। दे हैड पिक्ड ऑन हर, के उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज। और किस तरह से सारा स्कूल उसकी तारीफ करता है। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे। और कृपया टाउन को छोड़कर मत जाओ। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। और सारे उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी। वो और पैगी मिलकर लड़ाई करेंगे किसी से भी हु वॉज नॉट नाइस, जो कि उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। द टू गर्ल्स हरी रोन। जो दो गर्ल जो लड़कियां थी वो जल्दी से चल पड़ी। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। और वो चाहते थे कि अंधेरा होने से पहले वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाएं। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स की लिव्स। मुझे लगता है यहीं पर पेट्रोन्स की जो है वो रहते हैं, सेड मैडी। मैडी ने कहा पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस। एक छोटे से सफ़ेद घर की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, विस फॉर गोल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड हियर अलॉन्ग द पाथवे लाइक थिन किटन्स। यानी कि सूखी घास के छोटे गट्ठे रास्ते पर यहाँ वहाँ बिल्ली के बच्चों की तरह बिखरे पड़े थे। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन। जो आंगन था ठीक है, और वो उसके जो घास के छोटे छोटे जो
गट्ठे थे, है ना, विरल आंगन में, विरल जो आंगन था, जो गंदा आंगन था, साफ दिखाई दे रहा था, यानी कि था तो आंगन छोटा सा, ठीक है ना, अजीब सा दिख रहा था, लेकिन वो आंगन साफ दिखाई दे रहा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वॉन्डर्स वॉन्ड्रेस, यानी कि इसने माइंड अबाउट वॉन्डा वॉन्ड्रेस हर फेटेड ब्लू कॉटन ड्रेस शैबी बट क्लीन। इसने मैडी को वांडा की एक वर्दी जो कि फीकी पड़ चुकी थी, भद्दी थी, लेकिन साफ नीली सूती वर्दी की याद दिला दी। देर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, यानी कि घर के आसपास कोई भी जीवन का निशान नहीं था। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर। पैगी और मैडी घर के पीछे की तरफ गए, उन्होंने वहाँ पर भी दरवाज़ा खटखटाया, स्टिल देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। देर वॉज नो डाउट अबाउट, इसमें कोई शक नहीं था। द पेट्रॉन्स की वर ग्रोन, पेट्रॉन्स की जो थे जा चुके थे, हाउ कुड दे वर एवर मेक अमेंड्स, अब वो अपनी गलतियों को कैसे सुधारें। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, बेचारी वो धीरे धीरे वापस आ गई और उन्होंने अपने घर का रास्ता लिया। वेल एनी वे सेड पैगी, ठीक है, पैगी ने कहा, शी इज़ गोन नाउ, वो जा चुकी है, सो वट कैन वी डू नाउ, और हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड When I was asking her about her, all her dresses, इसके अलावा जब मैं उससे पूछ रही थी उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में, she probably was getting good ideas for her drawing, शायद ये भी हो सकता है कि वो कुछ विचार ले रही हो, उसके पास कुछ विचार आ रहे हों 100 ड्रेसेस के को लेकर। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, अगर मैं उसको ना छेड़ती तो हो सकता है शायद वो कॉम्पिटिशन 100 ड्रेसेस का नहीं जीत पाती। मैडी टर्न हिज दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वर एनी थिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। मैडी ने बड़ी सावधानी से इस विचार को अपने मन में बिठा लिया, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो बुरा महसूस करती। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात वो सो नहीं सकी। शी थॉट अबाउट वांडा, वो वांडा के बारे में सोचती रही, एंड हर फेटेड ब्लू ड्रेस और उसकी फीकी नीली वर्दी के बारे में, एंड द लिटिल हाउस और छोटे घर के बारे में शी हैड लिव्ड इन, जहाँ पर वो रहती थी, एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और वो उन 100 पोशाकों के बारे में सोचती रही, ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो कि पंक्तिबद्ध लगी हुई थी क्लासरूम में। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड, आखिर जो मैडी थी वो बेड पर बैठ गई और उसने अपने हाथों से अपने माथे को दबाया, टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, और बहुत सोचा। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, ये बहुत ही तनावपूर्ण उसने विचार था, उसने उसकी सोच थी जो उसने पहली बार किया था, यानी कि उसने पहली बार ऐसा सोचना शुरू किया आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद। शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, वो एक निर्णय पर पहुंची, शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, वो उसने निर्णय लेके अब वो किसी का साथ नहीं देगी और वो कुछ भी नहीं कहेगी। शी नेवर हर्ड एनी बॉडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज शी देवर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, अगर वो किसी से ऐसा सुनेगी कि किसी के मजाकिया नाम हैं, है ना, उनके अजीब नाम है, अगर वो कुछ ऐसा कभी सुनेगी किसी के मुंह से, शीट स्पीक अप, वो अपनी आवाज़ उठाएगी, इवन इफ इट मैंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे उसको पैगी की फ्रेंडशिप को ही तोड़ना पड़े इसके लिए। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, क्योंकि अब वो किसी तरह से वांडा से अपनी बात जो थी वो ठीक नहीं कर सकती थी, यानी कि माफ़ी नहीं मांग सकती थी वांडा से, बट फ्रॉम नाउ नाउ ऑन, लेकिन आज के बाद शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, लेकिन वो अब किसी को नाखुश नहीं करेगी अपनी वजह से। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, शनिचर की दोपहर को मैडी और पैगी ने दोनों ने दोपहर बिताई। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा, वो वांडा को पत्र लिख रहे थे, वांडा पेट्रोन्स की को, इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट, ये एक मैत्रीपूर्ण लेटर था जिसमें उन्होंने वांडा को उसकी कॉन्टेस्ट के बारे में बताया, दैट शी हैड वॉन,
कि वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, उन्होंने उसको बताया कि कितनी उसकी जो ड्राइंग्स थी वो सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग, और उन्होंने उससे पूछा कि वो कहाँ रहती है, एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और उसको अपनी नई टीचर पसंद आई या नहीं। दे हैड मेंट टू से दैट वर दे वर सॉरी, उनको तो ये भी लिखना था कि उनको बहुत दुख है उसके लिए, बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक मैत्रीपूर्ण लेटर के रूप में इसको ख़त्म कर दिया। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, ऐसा ही पत्र जो वो किसी भी अच्छे फ्रेंड को लिखती। एंड दे साइंड इट विद ए विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, और उन्होंने इसको साइन किए बहुत ज़्यादा प्यार के साथ। दे मेड द लेटर टू बॉगिंस हाइट्स, उन्होंने इस लेटर को बॉगिंस हाइट पर पोस्ट कर दिया। राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, और लिफाफे पर लिख दिया कि इसको आगे बढ़ा दें। डेज पास एंड देयर वॉज नो आंसर, अब दिन बीतते गए और कोई उत्तर नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन जो लेटर था वापस नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, हो सकता है वांडा ने इसको ले लिया हो, प्राप्त कर लिया हो। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट, परहैप्स शी वॉज सो हर्ट, शायद वो इतना दुखी हुई, हताहत हुई, एंड एंग्री, वो इतना गुस्सा थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, कि उसने आंसर नहीं दिया। यू कुड नॉट ब्लेम हर, अब उसको आप दोष नहीं दे सकते थे। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, अब हफ्ते जो है बीतते गए लेकिन वांडा ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, अब जो पैगी थी उसने सारा जो मसला था वो भूलना शुरू हो गई। पैगी ने सब कुछ भुलाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट, लेकिन जो मैडी थी एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, लेकिन जो मैडी थी रात को सोते हुए क्या करने लगी, उसके बारे में स्पीचेस बोलने लगी वांडा के बारे में। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स, कि वो उसको बड़ी भीड़ से बचाती। गर्ल्स हु आर ट्राइंग टू टीज हर विथ हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, यानी कि जो लड़कियां उसको छेड़ती क्या कहकर कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, ठीक है ना। वो मैडी जो थी अपनी आवाज़ में अपने अपने सपने में किसको लड़कियों से वांडा को बचाती है। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन, इससे पहले कि वो अपने होंठ भींच लेती, द वे शीड बिफोर आंसरिंग, जैसे कि उत्तर देने से पहले अपने होंठों को भींच लेती थी। मैडी वुड क्राई आउट, मैडी चिल्ला उठती। स्टॉप, देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड, कि रुक जाओ, और हर कोई व्यक्ति बेइज्जती महसूस करता है। द वे शी यूज टू फील, जैसे कि जो वांडा बेइज्जती महसूस करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, अब क्रिसमस का समय था, अब बर्फ ही बर्फ थी हर तरफ। जो क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड स्मॉल डेकोरेटेड द क्लासरूम, है ना, सभी घरों की खिड़कियों पर जो मालाएं थी और सदाबहार के पौधे लगे हुए थे। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, स्कूल की आखिरी दिन छुट्टी से पहले, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, मतलब आखिरी दिन स्कूल के टीचर ने एक जो पत्र था जो कि उसको उस सुबह मिला था वो दिखाया। यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स की, क्या आपको याद है वो वांडा पेट्रोन्स की, दैट गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, वो एक छोटी सी आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। वेल शी हैज़ रिटर्न मी, उसने मुझे लिखा है, एंड आई एम ग्लैड टू नो वियर शी लिव्स, और मुझे खुशी है कि वो कहाँ रहती है, बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, अब क्योंकि मैं उसका पदक उसको भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसका पत्र आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड इन लिसन इंटेंटली, जो क्लास थी वो बहुत ज़्यादा चुपचाप होकर बैठ गई और बहुत ध्यान से उस पत्र को सुनने लगी। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू इन रूम नंबर 13, आप कैसी हैं और रूम नंबर 13 कैसा है। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेज, कृपया लड़कियों को बता दो कि वो सारी 100 ड्रेसेज रख सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरे नए घर में अब मेरे पास और 100 ड्रेसेज हैं, और लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सारी मेरे अलमारी में पंक्तिबद्ध हैं। आई लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग्स ऑफ द ग्रीन ड्रेस, मैं चाहती हूँ कि पैगी को वो हरी ड्रेसेस दे दी जाए विद द रेड ट्रिमिंग्स, जिस पर
लाल लाल रंग की नक्काशी की हुई है एंड हर फ्रेंड मैगी टू हैव द ब्लू वन, और उसकी जो फ्रेंड है मैगी उसको मैडी उसको नीली वर्दी दे दी जाए। फॉर क्रिसमस आई मिस डेट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू। अब क्रिसमस में आप सबको स्कूल को और सबको मिस कर रही हूँ, और मेरी जो टीचर है आप जैसी नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, यानी कि आप सबको क्रिसमस की बधाइयाँ। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी क्लोज वेरी केयरफुली। अब घर जाते हुए है ना, स्कूल से घर जाते हुए मैडी और पैगी ने बड़ी सावधानी से अपने ड्राइंग्स को संभाला। ऑल द हाउसेज हैड रीथिस एंड होली इन द विंडोज, यानी कि जो घर थे सभी घरों की खिड़कियों पर जो मालाएं थी और सदाबहार के पौधे लगे हुए थे। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैग्ड, यानी कि परचून की दुकान के बाहर कई सौ क्रिसमस के जो वृक्ष थे वो खड़े हुए थे। ओके एंड कॉर्न कॉपीज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग, और इसके अलावा खिड़की में मिठाइयाँ थीं और चमकीले पारदर्शी कागज़ के जो लिफाफे थे वो लटके हुए थे। ओके द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस, यानी कि हवा में से क्रिसमस की सुगंध आ रही थी। और एवरीवेयर क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और चारों तरफ से अनेक रंगों की पड़ने वाली जो चमक थी वो बर्फ पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो प्रावर्तित हो रही थी। बॉय सेड पैगी, लड़के पैगी ने कहा, दिस शोज़ ए रियली लाइक्स अस, इससे तो ये पता चलता है कि वो हमें पसंद करती थी। इट शोज शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट। इससे ये पत्र ये इस चीज़ को दिखाता है कि ये उसके कहने का तरीका है कि सब कुछ ठीक है एंड दैट्स दैट, और यही सब कुछ है। आई होप सो, मैं आशा करती हूँ, सैड मैडी, मैडी ने दुखपूर्ण कहा। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन। उसने बड़ी उदासी से कहा, क्योंकि वो जानती थी कि वो उस छोटी सी छोटे होठों वाली लड़की को वो नहीं देख पाएगी एंड कुड एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और वो उससे माफ़ी नहीं मांग पाएगी और वो उनमें आपस में चीज़ें कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। शी वेंट होम एंड शी पेंट हर ड्राइंग ओवर ए टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉल पेपर इन द बेडरूम। अब वो घर गई और उसने उस ड्राइंग को कहाँ पर लगा दिया, एक पीले पिंक फ्लावर्स वाली जो वॉलपेपर है उसके ऊपर बेडरूम में, उस पर उसने तस्वीर को लगा दिया। द शैबी रूम केम अलाइव, और जो गंदा सा कमरा था वो जीवित हो चुका रंगों के कारण। अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड, मैडी अपने बेड पर बैठी एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और ड्राइंग को देखती रही। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, वो खड़े अब उसने सोचा वो खड़ी रहती थी, उसने कुछ नहीं कहा। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनी वे, लेकिन वांडा ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, वांडा उसके साथ अच्छी थी। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज, अब जो आंसू थे उसने उसके जो उसकी नज़र को थोड़ा धुंधला कर दिया। एंड शी गेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसने लंबे समय तक गौर तक देखते रही एट द पिक्चर पिक्चर को। देन हेस्टिली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली, तब उसने बड़ी तेज़ी के साथ अपनी आंखों को रगड़ा और उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखा। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड, जो ड्रेस के अंदर जो कलर थे वो बहुत ज़्यादा चमकीले थे, साफ थे। दैट शी हैड स्कैर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, कि उसने उस ड्रेस में बने हुए सिर को नोटिस नहीं किया, यानी कि उस ड्रेस के ऊपर एक चेहरा बना हुआ था। बट इट लुक्ड लाइक हर, लेकिन ये चेहरा मैडी की तरह दिखाई देता था। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, और ये उसके चेहरे की तरह मुंह की तरह दिखाई देता था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, लेकिन ये इसकी तरह जो चेहरा है वो क्यों दिखाई देता है। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, इसका मतलब जो वांडा है उसने स्पेशली इस ड्रेस को मैडी के लिए बनाया था। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज, अब वो उत्तेजित होकर पैगी के घर की तरफ गई। पैग शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर, पैग दिखाओ मुझे अपनी पिक्चर देखने दो तुम्हारी जो मिली है। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, आस्क्ड पैगी, पैगी ने पूछा एज ए क्लटर्ड अप
टू हर रूम वेयर वांडर्स ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। ठीक है, वो खड़खड़ाते हुए फटाफट सीढ़ियों पर चढ़े और जहाँ पर देखा कि वांडा के ड्राइंग रूम में वो जो तस्वीर थी उल्टी पड़ी हुई थी। मैटी केयरफुली रेज्ड इट, मैटी ने ध्यानपूर्वक उसको उठाया। लुक शी ड्रू, देखो उसने तुम्हारी तस्वीर बनाई है। दैट्स यू, ये तुम हो। शी एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाई। एंड शी एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और इस पिक्चर का जो हेड था और चेहरा था वो बिल्कुल पैगी तरह दिखाई दे रहा था। व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा था तुमसे सेट पैगी? शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, कि वो हमें ज़रूर पसंद करती थी। येस शी मस्ट हैव, हाँ बिल्कुल वो ज़रूर हमें पसंद करती थी। अग्रीड मैडी, मैडी इससे सहमत हुई। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा। ठीक है, जब भी वो अपनी आँखों को भीजती हर बार उसकी आँखों से आंसू निकल पड़ते। स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, ठीक है, जब भी वो स्कूल के आंगन में होती है ना उसके आंसू निकल आते। लुकिंग स्टॉलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉक्ड ऑफ, ठीक है ना, उन लड़कियों को वो देखती, ठीक है, हंसते हुए जब वांडा वहाँ से चली जाती। आफ्टर शी हैड सेड, और वो कहती श्योर अ हंड्रेड ऑफ देम ऑल लाइंड अप, हाँ बिल्कुल सो, और सारी पंक्तिबद्ध, यानी कि वो याद कर रही है, यानी कि सोच रही स्कूल उसकी, उसको पुरानी यादें याद आ रही हैं वांडा की, ठीक है ना, वो पुरानी यादें याद करके बहुत ज़्यादा रोती है, उसके आंसू आ जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दीज आर टेक्स्चुअल क्वेश्चन आंसर्स एंड so it will cover everything, okay, so let's start, just a sec, how it is going to be vertical, okay, okay, the 100 dresses part 2 textual answers. What did Mr. Petrovsky's letter say? Mr. Petrovsky's ke patra mein kya likha tha? जेन पेट्रोस के वांडर्स फादर रोट ए लेटर टू मिस मैसन टू एक्सप्रेस हिज डिसप्लेजर एट द बुलिंग फेस्ड बाय हिज डॉटर इन द स्कूल। जेन पेट्रोस की, जो कि वांडा के फादर थे, उन्होंने मिस मैसन को एक पत्र लिखा जिसमें उसने दुख जताया कि किस तरह से वांडा के ऊपर रोग जमाया गया स्कूल के अंदर। ही इन्फॉर्म मिस मैसन दैट वांडा एंड जैक हैव क्विट स्कूल, उसने इस पत्र में बताया कि वांडा जो जैक है स्कूल को छोड़ चुके हैं एंड देयर फैमिली वुड मूव टू अ बिग सिटी, और उनकी जो फैमिली है बड़े शहर चली जाएगी। वेयर देयर आर इनफ इमिग्रेंट्स हु आर नॉट लुक्ड डाउन अपॉन बाय अदर अमेरिकन्स, यानी कि उस बड़े शहर में कोई भी उनका मजाक नहीं उड़ाएगा, लुक डाउन अपॉन, है ना, बाय अदर अमेरिकन्स, दूसरे अमेरिकन्स द्वारा। इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट, क्या मिस मैसन को गुस्सा आता है, वो उसका क्या रिएक्शन है बच्चों के प्रति? नो शी वॉज नॉट एंग्री विद द क्लास, नहीं वो दुखी नहीं थी, उन्हें गुस्सा नहीं थी, और आप ये भी लिख सकते हो शी हैड अ मिक्सड फीलिंग, बट टोल्ड द क्लास दैट शी वॉज सर्टेन दैट नो वन हैड हर्ड वांडाज फीलिंग डेलिबरेटली, लेकिन वो ये विश्वास करते थे कि वांडा की फीलिंग्स को, भावना को किसी ने जानबूझकर नहीं दुखाया। शी एक्सप्रेस दैट ऑल वॉज सेड आउट ऑफ इग्नोरेंस, उसने ये एक्सप्रेस किया, ये बताया कि जो भी कहा गया वो अनजाने में कहा गया। शी ओवर द क्लास टू थिंक दैट इट वॉज सैड टू हर्ट समवनस फीलिंग सिंपली बिकॉज द पर्सन हैड ए लॉन्ग अनफैमिलियर नेम, उसने क्लास से ये बताने के लिए कहा, ये सोचने के लिए कहा कि हम किस तरह से क्यों मजाक उड़ाएं किसी का कि उसका नाम लंबा है या फिर अजीब नाम है, है ना, हमें इस वजह से किसी की भावनाओं को दुख नहीं देना चाहिए। How does Maddie feel after listening to the note from Wanda's father? यानी कि Maddie को क्या महसूस होता है जब वो Wanda के फादर का पत्र सुनती है? Maddie felt miserable after listening to the note from Wanda's father. Maddie बहुत ज़्यादा दुख महसूस करती है जब उसने Wanda के फादर का पत्र पढ़ा, सुना। She could not put her mind to work in the study period. वो अपना मन पढ़ाई में नहीं लगा पाई and had a very sick feeling in the bottom of her stomach. और उसके पेट में एक तरह की पीड़ा हुई, दर्द हुआ। शी फेल्ट बैड
दैट शी हैड रिमेंड अ म्यूर स्पेक्टेटर टू वांडर्स बोलिंग। उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि वो सिर्फ एक मूक दर्शक की तरह खड़ी रही जबकि उसकी बेइज्जती हो रही थी। वट डज़ मैडी वॉन्ट टू डू, अब मैडी क्या करना चाहती थी? मैडी वॉन्टेड टू अपोलोजाइज टू वांडर टू मेक अमेंड फॉर नॉट सपोर्टिंग हर। मैडी वांडर से माफ़ी मांगना चाहती थी कि उसने उसको सपोर्ट नहीं किया, उसने उसकी मदद नहीं की। शी वॉन्टेड टू क्लैरिफाई टू वांडा दैट शी हैड नेवर मैंट टू हर्ट हर फीलिंग्स। वो वांडा को ये बताना चाहती थी कि उसका कभी भी उसके दिल दुखाने का इरादा नहीं था। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू टेल हर दैट शी हैड वन द कॉन्टेस्ट। वो उसको ये भी बताना चाहती थी कि उसने प्रतियोगिता जीत ली फॉर डिज़ाइनिंग दोज ब्यूटीफुल 100 ड्रेसेस, उन 100 ड्रेसेस को डिज़ाइन करने के लिए। वट एक्सक्यूजेज डज पैगी थिंक ऑफ फॉर हर बिहेवियर। वाई पैगी क्या बहाना लगाती है अपने बिहेवियर के लिए और क्यों? जस्टिंग फॉर इनसेंसिटिव बिहेवियर टूवर्ड्स वांडा पैगी फाउंड एक्सक्यूजेज बिकॉज शी वॉज फीलिंग गिल्टी। है ना, अपनी जो भावनाओं को उसको सही ठहराने के लिए वांडा ने क्या क्या कहा, क्योंकि वो भी गिल्टी फील कर रही थी। तो उसने क्या कहा, शी सेड दैट व्हेन शी वॉज आस्किंग वांडा अबाउट हर ऑल ड्रेसेस। उसने कहा जब वो वांडा से उसके ड्रेसेस के बारे में पूछ रही थी, शी वॉज प्रॉपरली गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स। उसको अच्छे से ड्राइंग्स के बारे में विचार आ रहे थे। शी माइट नॉट हैव वॉन द कॉन्टेस्ट इफ पैगी हैड नॉट बुलीड हर। शायद वो जो कॉन्टेस्ट थी वो ना जीत पाती अगर पैगी ने उस पर रोक ना जमाया होता। वट आर मैडीज थाट्स एज दे गो टू बॉगिन हाइट, यानी कि मैडी क्या सोच रही थी जब वो बॉगिन हाइट जा रहे थे। All through the way, Maddie hoped to find Wanda and thought that she would tell Wanda that they were sorry to have picked on her. सारे रास्ते वो यही सोचती रही कि वो वांडा को जाकर बताएगी कि हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं कि हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। She would also tell her that the whole school thought she was wonderful. वो उसको ये भी बताएगी कि सारा जो स्कूल है उसकी तारीफ़ करता है। एंड वुड रिक्वेस्ट हर नॉट टू मूव अवे, और उसको ये भी रिक्वेस्ट करेगी कि वो ना जाए। बिसाइड इसके अलावा शी वुड अश्योर दैट हर दैट एवरीबडी वुड बी नाइस। इसके अलावा उसने ये अश्योर किया कि कोई एवरीबडी वुड बी नाइस, उसके साथ अच्छा बर्ताव करेगा। एंड शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वुड बुली हर, और वो और पैगी मिलकर सबका मुकाबला करेंगे जो भी उस पर रोब जमाएगा। इन वट वे डज वांडर्स हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वांडर्स ब्लू ड्रेस। किस तरह से जो वांडा की जो वांडा वांडा का जो घर था उसने उसको नीली वर्दी की याद दिलाई। वांडा लिव्ड इन ए लिटल वाइट हाउस विद विस्प्स ऑफ ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे। वांडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी, वहाँ पर घास के सूखे गठरे इधर उधर बिखरे पड़े थे। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटल यार्ड वाज शैबी बट क्लीन। जो घर का आंगन था वो विरल था लेकिन साफ था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडर्स फेडेड ब्लू ड्रेस दैट वाज नॉट आयरन बट टाइडी। इस चीज़ ने, इस नज़ारे ने उसको उसकी नीली वर्दी के बारे में याद दिलाई जो कि फीकी हो गई थी, बट लेकिन वो साफ थी और आयरन यानी कि प्रेस नहीं होती थी अच्छे से। What does Maddie think hard about? What important decision does she come to? किस चीज़ के बारे में मैडी ने ध्यानपूर्वक सोचा और वो किस नतीजे पर पहुँची? Maddie thought hard about the entire sequence of events. मैडी ने इन सारी घटनाओं के बारे में सोचा that had compelled Wanda to quit the school, जिसकी वजह से Wanda को स्कूल छोड़कर जाना पड़ा and move to a big city, और एक बड़े शहर जाना पड़ा। She came to the important decision that she would speak up. उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वो आवाज़ उठाएगी if she ever heard anybody picking on someone, अगर वो देखेगी कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, कोई किसी के ऊपर रोब जमा रहा है for a funny look or a strange name, या फिर अजीब दिखने की वजह से या फिर अजीब नामों के लिए। शी वुड नॉट बॉदर इवन फॉर हर फ्रेंडशिप विद पैगी, यानी कि वो अपनी पैगी से अपनी फ्रेंडशिप का भी ख्याल नहीं करेगी। इन डूइंग सो, ऐसा करने में शी रिजॉल्व्ड नेवर टू बुली और मेक फन ऑफ अदर। उसने निर्णय लिया कि वो कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगी, वो कभी भी किसी पर धौंस नहीं जमाएगी। वट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा, लड़कियों ने वांडा को क्या लिखा? पैगी एंड मैडी रॉट अ फ्रेंडली लेटर टू वांडा टेलिंग हर दैट शी हैड वॉन द ड्रॉइंग कॉन्टेस्ट। दोनों ने एक मैत्रीपूर्ण चिट्ठी लिखी वांडा को, जिसमें उसने उसको बताया कि उसने प्रतियोगिता जीत ली। दे ऑल्सो टोल्ड हर दैट हर ड्राइंग्स आर वेरी प्रीटी, उन्होंने ये भी बताया कि उसकी जो चित्रकार थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। एंड इंक्वायर्ड वेदर शी वॉज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर एंड हर न्यू होम, और ये भी पूछा कि वो कहाँ रह रही है और क्या उसको वो जगह पसंद आई, क्या उसको उसका नया टीचर पसंद आया।
डिड दे गेट ए रिप्लाई, क्या उनको जवाब मिला? हु वॉज मोर एंशियस फॉर ए रिप्लाई, यानी कि जवाब की सबसे ज़्यादा चिंता किसको थी, पैगी और मैडी? हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता? डेज पास्ट एंड पैगी एंड मैडी डिड नॉट रिसीव एनी रिप्लाई फ्रॉम वांडा, दिन गुजरते गए, मैडी और पैगी को कोई जवाब नहीं मिला वांडा की तरफ से। दे थॉट दैट वांडा वॉज डीपली हर्ट एंड एंग्री एट देम, उन्होंने सोचा कि वांडा बहुत बुरी तरह से उनसे नाराज़ है और दुखी है। मैडी वॉज मोर एंशियस अबाउट इट देन मैडी, क्योंकि उसकी मैडी को ज़्यादा इसके बारे में चिंता थी पैगी के मुकाबले, एज द लेटर ग्रेजुअली स्टार्टेड फॉरगेटिंग अबाउट द इंटायर बिजनेस, क्योंकि जो अब पैगी तो वो धीरे धीरे इस बात को भूलने लगी थी। हाउएवर मैडी वुड पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट, लेकिन जो मैडी थी वो सो नहीं पाती थी, मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, और रात को वो वांडा के बारे में बोलती थी, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु ट्राई टू टीज हर, वो उसको लड़कियों की भीड़ से बचाती थी जो उसको छेड़ने की कोशिश करती थी। हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक्ड देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर, अच्छा लड़कियों को कैसे पता चला कि वांडा उनको पसंद करती थी हालांकि वो उसको छेड़ते थे? द गर्ल्स लर्न दैट वांडा एक्चुअली लाइक देम इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे टीज्ड हर, लड़कियों को ये पता चला कि वांडा उनको वाकई में अच्छी लगती थी, है ना, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद दैट दे टीज्ड हर, कि वो उसको सोच कि वो उसको छेड़ते थे, बिकॉज द ड्रेस डिजाइंस दैट शी हैड गिफ्टेड देम फॉर क्रिसमस हैड द हेड्स एंड फेस सिमिलर टू देयर्स, क्योंकि जो ड्रेसेस वांडा ने उन दोनों लड़कियों के लिए बनाई थी उन दोनों के ऊपर उन दोनों के चेहरे थे, हेड थे। द ब्लू ड्रेस लुक्ड लाइक मैडी वाइल द ग्रीन वन रिजेंबल्ड पेगीज, यानी कि जो नीली वर्दी थी वो मैडी की तरह और जो जो हरी वर्दी थी वो पैगी की तरह दिखाई दे रही थी। व्हाट डू यू थिंक वांडाज फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी, आपको क्यों लगता है वांडा की फैमिली एक बड़े शहर में चली गई? डू यू थिंक लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम फॉर देयर फैमिली, आपको क्या लगता है कि उनकी जो लाइफ है वहाँ पर बदल जाएगी? वी थिंक वांडाज फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी बिकॉज एवरी वन देयर मेड फन ऑफ देयर नेम्स, हमें लगता है कि जो वांडा की फैमिली वहाँ पर वहाँ से शिफ्ट हो गई चली गई क्योंकि सारे लोग उनके नाम का मजाक उड़ाते थे, दे वर बिंग डिस्क्रिमिनेटेड, उनसे पक्षपात किया जाता था एंड टारगेट उनको निशाना बनाया जाता था। द गर्ल्स इन वांडा स्कूल मेड फन ऑफ हर, जो लड़कियाँ थी वांडा के स्कूल में उसका मजाक उड़ाती थी। यस वी थिंक लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली, हाँ हमें लगता है कि उनकी फैमिली का जो अब जीवन है वो बदल जाएगा। देर वर प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मात्रा में अजीब नाम हैं। मैडी थॉट हर साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग, वॉज शी राइट, मैडी को लगता है कि उसका चुप रहना भी इतना ही बुरा है जितना पैगी का व्यवहार करना, क्या वो अपनी जगह ठीक है? येस मैडी वॉज राइट इन थिंकिंग दैट हर साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज, हाँ वो अपनी जगह ठीक है जब वो सोचती है कि उसका चुप रहना उतना ही बुरा है जितना कि पैगी का छेड़ना। ट्रूली शी हैड नॉट इंजॉयड लिसनिंग टू पैगी, हाँ ये बात सच है कि वो उसको अच्छा नहीं लगता था पैगी का ये पूछना। वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, कि वांडा के अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं, बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। इट वॉज एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, ये उतना ही बुरा था जितना कि पैगी ने किया था। पैगी सेज आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग वन ऑफ हर एनी वे, आई थॉट शी वॉज टू डम, पैगी क्या कहती है, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि जब हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि उसको इसके बारे में पता भी है, मैंने सोचा वो तो बहुत ज़्यादा भोंदू है। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रा, और देखो वो कितना अच्छा बना सकती है, ड्राइंग करती है। बट वट लेट पैगी टू बिलीव दैट वांडा वॉज डम, डिड शी चेंज हर ओपिनियन लेटर, अच्छा उसको किस किस चीज़ की वजह से उसने सोचा कि वांडा जो है वो भोंदू है, क्या उसका विचार बदला बाद में? पैगीज ऑब्जर्वेशंस वर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द वांडा नेवर रिएक्टेड टू पैगीज एरोगेंट टॉन्ट्स, मतलब पैगी के जो ऑब्जर्वेशन थे उसका जो निरीक्षण था वो इस बात पर आधारित था कि वांडा ने कभी भी पैगी के व्यवहार पर प्रतिक्रिया नहीं की, उसके टॉन्ट्स पर उसके जो ताने थे उस पर प्रतिक्रिया कभी नहीं जताई। इंस्टेड शी चोज टू इग्नोर दैम बाई रिमेनिंग क्वाइट, बल्कि इसके बजाय उसने क्या किया कि वो शांत रही। पैगीज टॉन्ट्स रिगार्डिंग 100 ड्रेसेस मेड हर फैमिली रिजोल्व ऑफ कम्प्लीटिंग 100 ड्रेस डिज़ाइंस फॉर द कॉन्टेस्ट, यानी कि जो पैगी जो उसको ताने देती थी 100 ड्रेसेस के बारे में, इसकी वजह से उसने और उसका जो निश्चित और भी दृढ़ हो गया 100 ड्रेसेस बनाने का। सो वांडा आंसर्ड पैगी नॉट इन वर्ड्स बट थ्रू हर एक्शंस, इसलिए वांडा ने
पैगी को जो जवाब था शब्दों में नहीं बल्कि अपने एक्शन से दिया, अपने काम्स करके दिखाया उसने। हाउएवर पैगी चेंज हर ओपिनियन लेटर व्हेन शी वाज अमेज्ड बाय द ब्यूटीफुल डिजाइंस क्रिएटेड बाय वांडा। बाद में जो पैगी के विचार बदल गए जब उसने वांडा के द्वारा बनाए गए 100 ड्रेसेस को देखा। शी हैड रियलाइज दैट वांडा वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। उसको एहसास हुआ कि वांडा एक प्रतिभाशाली लड़की है। हु अंडरस्टूड हाउ अदर गर्ल्स मॉक्ड एट हर। जिसको मालूम था कि जो लड़कियां उसको छेड़ रही हैं, नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन वो किसी बहस में झगड़े में पड़ना नहीं चाहती थी। बट इम्पोर्टेंट डिसीजन डिड मैडी मेक। मैडी ने कौन सा इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया? व्हाई डिड शी हैव टू थिंक हार्ड टू डू? उसको इतनी गहनता से क्यों सोचना पड़ा, यानी कि उसने क्या निर्णय लिया? मैडी रिजॉल्व टू स्टैंड अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू द स्टूडेंट्स। मैगी ने ये निर्णय लिया कि अब वो आवाज़ उठाएगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। शी वुड स्पीक अप इफ़ शी फाउंड एनी वन ट्रीटिंग अनकाइंडली। वो अपनी आवाज़ बुलंद करेगी अगर वो देखेगी कि किसी के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। शी वॉज इवन रेडी टू लूज पैगीज फ्रेंडशिप फॉर दिस पर्पज़। वो इस उद्देश्य के लिए पैगी की फ्रेंडशिप को तोड़ने के लिए भी तैयार है। शी हैड टू थिंक हार्ड टू डू सो बिकॉज शी वॉज गिल्टी विद हर सेल्फ। उसको ये बहुत गहनते से सोचना पड़ा क्योंकि वो अपने आप को दोषी महसूस कर रही थी। वाई डू यू थिंक वांडा गिव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसिस? वाई आर दे सरप्राइज? आपको क्यों लगता है कि वांडा ने मैडी और पैगी को ड्राइंग्स दी और वो सरप्राइज क्यों हो गई लड़कियाँ? बाई गिविंग दम द ड्राइंग्स वांडा टेक्स रिवेंज इन ए स्वीट मैनर। यानी कि लड़कियों को ड्राइंग देकर उसने बड़े मधुर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपना बदला लिया। वांडा इज जेंटल। वांडा एक बहुत ही सीधी सादी लड़की है, अच्छी लड़की है। शी हैज़ पेंटेड द फेसेस ऑफ मैडी एंड पैगी इन द ड्राइंग्स। उसने ड्राइंग्स में मैडी और पैगी के चेहरे बनाए, दस रिवीलिंग दैट शी लाइक दैम। ये बताने के लिए कि वो उनको पसंद करती है। इवन दो दे मॉक्ड एट हर, यहाँ तक क्योंकि हालांकि वो उसका मजाक उड़ाते हैं। बट दे आर सरप्राइज एट वांडर्स मेच्योर रिस्पॉन्स। लेकिन दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा हैरान हुई उसके इस रिस्पॉन्स से, उसकी इस प्रतिक्रिया से। डू यू रियली थिंक द लास्ट क्वेश्चन, डू यू रियली थिंक वांडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग हर? वाई और वाई नॉट? क्या आपको वाकई लगता है कि वांडा सोचती थी कि लड़कियां उसको छेड़ रही हैं? ऐसा क्यों है या फिर क्यों नहीं है? वांडा वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ये एक समझदार लड़की थी। वांडा शी न्यू दैट द गर्ल्स वर टीजिंग हर। उसको पता था कि लड़कियां उसे छेड़ रही हैं। स्टिल शी पुट अप विद ऑल देयर नॉनसेंस। लेकिन फिर भी उसने उन सब की बेतुकी बातों को क्या है सहन किया। शी वॉज अ मच्योर गर्ल एंड ऑप्टेड टू इग्नोर द इनसेंसिटिविटी ऑफ द गर्ल्स। क्योंकि वो एक मच्योर लड़की थी, एक समझदार लड़की थी, और उसने क्या निर्णय लिया कि वो चुप रहे और उनकी नासमझी को इग्नोर कर दे। दैट इज़ वाई शी गिफ्टेड हर डिज़ाइंस टू द गर्ल्स। और यही कारण था उसने अपने जो डिज़ाइंस थे वो लड़कियों को उपहार में दिए। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम।